अस्सलामु अलैकुम इन्फॉर्म टीवी के साथ मैं हूँ फयाज मोहसिन। हामिद मीर ने तहलका खेज इंकशाफ कर दिया। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हामिद मीर ने कहा है कि इन्हें हुकूमती वजीर ने कहा कि हम बहुत बुरे फंस चुके हैं। गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ एक हुकूमती वजीर ने कॉल की और कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इनके शदीद इसरार पर इनसे मिलने गया। हुकूमती वजीर ने बताया कि हम बहुत बुरे फंस गए हैं, जबकि वजीर ने कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना। हामिद मीर ने कहा कि इसके बाद हुकूमत के एक इतिहादी की कॉल आई तो उनके इसरार पर उनके पास भी जा पहुंचा। इतिहादी ने भी सब कुछ बताया लेकिन किसी को ना बताने का कहा। सीनियर सहाफ़ी का कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के कैंप से कोई बात सामने नहीं आ रही, लेकिन मीडिया पर जो कुछ आ रहा है ख्वाह वो हुकूमत की तरफ से हो या अपोजिशन की तरफ से, वो मुकम्मल नहीं। हामिद मीर ने कहा कि इतिहादी वजीर आजम के इधर उधर के चक्कर काटने पर बहुत खुश है। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने अदम अतमाद से कबल वजीर आजम के लिए खतरे की घंटी बचा दी। इन्होंने कहा कि सारे इतिहादियों का 100% रुझान अपोजिशन की तरफ है और इमरान खान 100% मुश्किल में है।